मैकेनिकल राज की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ समोसे। ये समोसे छोटे हों या बड़े, हर किसी को समोसे खाना पसंद है। चलो हम बनाना शुरू करते हैं गर्मा गर्म समोसे। इसके लिए हमें बॉइल आलू चाहिए जो हमने पहले से उबाल लिए हैं, कटे हुए प्याज और धनिया। अब इसको हम एक बॉइल में लेंगे। मैंने हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने तीखा नहीं बनाना, अपनी बेबी के लिए बना रहा हूँ। आप ले सकते हो। और प्याज और धनिया हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें हमने चाट मसाला डालेंगे जो समोसे के टेस्ट को बढ़ा देगा। और स्पून की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे अच्छे से, सारे मसाले मिला लेंगे अच्छे से। देखो हमारा आलू का मिश्रण तैयार हो गया है। इसी तरह आपने भी तैयार कर लेना है। अब हम मैदे का आटा गूंदेंगे, समोसे का आटा। हमने मैदा लिया है एक कटोरी, इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे जिससे टेस्ट अच्छा आता है और पेट के लिए भी अच्छा रहता है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे ताकि समोसा खस्ता बने। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, अच्छे से मिलाना आपने ताकि तेल पूरे मैदे वाले आटे में मिक्स हो जाए। अब देखो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। हमने ज़्यादा पानी एक बार ही नहीं डालना, नहीं तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। हमें टाइट आटा गूंदना समोसे के लिए। देखो हमने आटा गूंद लिया, देखो टाइट है आटा। देखो ऐसा टाइट होना चाहिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। देखो हमारा आटा सेट हो चुका है। अब इसमें तेल वाले हाथ से इसको एक बार और गून लेंगे ताकि ये अच्छे से गून जाए। जो दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। अब इस आटे को हम रोल करेंगे इस तरीके से। अब इसको हम चाकू की मदद से छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हो, मैंने चाकू से किया है कि बराबर जितने इसके पीस। और एक पीस को लेके हम इसको बेल लेंगे। इसको थोड़ा पतला बेलना, ना ही मोटा ना ही पतला। इस तरीके से इसको अच्छे से बेल लेना और बीच से हम इसको कट कर देंगे, यानी इसके दो समोसे बनेंगे। अब इसको साइड में रख लेंगे और इसी तरह हम बाकी आटे को भी पेड़े को बेल लेंगे। हमने सभी को बेल लिया है। अब एक समोसा एक को उठाएंगे और इस तरीके से समोसे का आकार देंगे। दिख रहा है ना आपको? कहा के अगर बीच में आलू का मिश्रण डालेंगे, जितना आलू आएगा उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और पानी का यूज़ करेंगे साइड साइड में ताकि ये अच्छे से चिपक सके। अब इसको अच्छे से हम चिपका देंगे। देखो ये पूरा समोसा बन गया है ना, इसी तरह होता ना मार्केट का समोसा। हमने थोड़े छोटे समोसे बनाए हैं जिसको हम मिनी समोसा बोल सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा समोसा भी बनाएंगे। इसको भी इसी तरह लेना है और नुक्कड़ को अच्छे से दबा के बंद कर लेना है। और इसमें भी आलू का मिश्रण डालेंगे। जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। देखो ये भी समोसा हमारा तैयार हो गया। नुक्कड़ को अच्छे से एक बार और बना लेना है। अगर समोसे का शेप अच्छा ना बनाओ तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, खाने की तो बात ही छोड़ो। हमने सारे समोसे इसी तरह बना लिए हैं।
अब हमने कढ़ाई को गरम करने के लिए रखा है और मीडियम फ्लेम पे रखना है इसको, ज़्यादा फास्ट में नहीं। तेल गरम हो चुका है, हम समोसे डाल देंगे। देखो समोसे डालते ही तेल में कैसे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कुछ अच्छा बन रहा है। मार्केट में क्या रहता है, कढ़ाई बड़ी रहती है, इसमें तेल ज़्यादा रहता है, समोसे डूब जाते हैं, इसलिए जल्दी और अच्छे से बनते हैं। मैंने छोटी कढ़ाई में बना रहा हूँ और तेल भी कम है, इसलिए इसको बार बार पलट पलट के मुझे सेकना पड़ रहा है। हमारे समोसे हो चुके हैं, हम प्लेट में अब निकाल लेंगे। हम इसको सॉस के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं, और धनिए की चटनी या पुदीने की चटनी के साथ तो वो टेस्टी लगेगी। देखो हमारे समोसे बन चुके हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यानी घर में कोई चीज़ बनाई हो, पाए कम बनाई हो, लेकिन खाने में मज़ा आता है क्योंकि हमने खुद मेहनत की है। बाहर से बनी बनाई चीज़ें तो हम खाते रहते हैं। देखो कितनी अच्छे समोसे बने हैं, छोटे से समोसे, हमारे मिनी समोसे मैंने अपने बेबी के लिए बनाए हैं। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें।